नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जर्नलिज्म सीखे और मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त अनदाराम बिश्नोई। दोस्तों, आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पीटीसी क्या होती है, क्यों जरूरी है और कैसे की जाती है। आप में से किसी एक ने सवाल पूछा था कि पीटीसी के बारे में बताइए, तो चलिए आज जान लेते हैं। और हाँ, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह से पत्रकारिता से संबंधित जब नए वीडियो आए तो आपको सूचना सबसे पहले मिल सके। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज पर भी इस तरह से वीडियो देख सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपको पता होगा कि लाइक करने से क्या होता है, और जिसको नहीं पता है बता देता हूँ। लाइक करने से मेरा मन और ज़्यादा इसी तरह से वीडियो बनाने का करता है, मेरे को एक प्रेरणा मिलती है। और आप चाहते हैं मैं इसी तरह से और वीडियो बनाऊँ तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, अभी की अभी कीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर यदि फॉलो करना चाहते हो तो यूजर नेम ऊपर दिख रहा है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैं आपके हर सवालों का जवाब देता हूँ। चलिए अब करते हैं काम की बात। पहले मैं ये बता देता हूँ कि आखिर पीटीसी होती क्या है। जरूरी नहीं है हर किसी को पता हो, काफी नए स्टूडेंट भी है मेरे सब्सक्राइबर। पीटीसी पीस टू कैमरा का शॉर्ट फॉर्म है। पीस टू कैमरा, पीस यानी टुकड़ा, टू यानी कैमरा, यानी एक कैमरे के सामने एक छोटा सा शूट किया हुआ वीडियो का टुकड़ा। अब ये तो मोटे तौर पर बता रहा हूं, अब इसकी गहराई में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पीटीसी होती क्या है। आपने न्यूज चैनल पर खबर को देखा होगा और खबर की शुरुआत में उस खबर के बारे में एंकर शॉर्टकट में कुछ बताता है, वो इंट्रो होता है, उसके बाद में विजुअल चलते हैं, उसके साथ ही वॉइस ओवर चलता है उस खबर के बारे में। और कभी कभी इसके अलावा अगर रिपोर्टर जीरो ग्राउंड पर है तो जीरो ग्राउंड से सीधा न्यूज को न्यूज चैनल पर बताने की कोशिश करता है। उसके बाद में आपने देखा होगा कि आखिरकार जीरो ग्राउंड पे भले ही रिपोर्टर उस खबर को बता रहा हो, लेकिन जब उस खबर की एंडिंग होती है तो रिपोर्टर लगभग 30 से 40 सेकंड तक कुछ कैमरे के सामने आई कांटेक्ट बनाते हुए कुछ 30-40 सेकंड कुछ ऐसी बातें बोलता है उस न्यूज से रिलेटेड। और फिर वो अपना जो वीडियो जर्नलिस्ट है साथ में जो वीडियो बना रहा है उसका नाम लेता है और अपना नाम लेता है, उसके बाद चैनल का नाम लेता है और फिर उस जगह का नाम लेता है जहां से वो खबर बता रहा है या उस खबर का उद्भव हुआ है। तो मोटे तौर पर कहे तो यह है पीटीसी, जो 30 और 40 सेकंड के अंदर खबर के अंत में रिपोर्टर ने जो बात कही है, जो उस खबर के बारे में रिपोर्टर ने जो बात कही है और जो वाक्य बताया है। यानी मोटे तौर पर आप समझ गए होंगे कि पीटीसी होती क्या है जिनको पता नहीं था। अब जान लेते हैं कि आखिर पीटीसी की जरूरत क्यों पड़ती है, आखिर ये पीटीसी रिपोर्ट के अंदर, न्यूज रिपोर्ट के अंदर, न्यूज रिपोर्टिंग के अंदर क्यों की जाती है। पीटीसी के जरिए न्यूज रिपोर्टर उस खबर को अच्छी तरीके से ऑडियंस को समझाने की कोशिश करता है, यानी जो खबर है उस खबर की अहमियत क्या है, इस खबर का कितना असर लोगों पर पड़ सकता है, ये खबर कितनी महत्वपूर्ण है, ये बात वो पीटीसी के द्वारा कहने की कोशिश करता है। और इसके अलावा पीटीसी करने का जो मकसद है वो ये भी होता है कि आखिर जो रिपोर्टर है, जो एक निष्पक्ष पत्रकार है, वो इस खबर को किस नजर से देख रहा है उस खबर। इसके साथ ही पीटीसी से यह भी झलकता है कि जो मीडिया संस्थान है, आप जिस न्यूज चैनल पर वो आप पीटीसी देख रहे हो, उस खबर को लेकर उस न्यूज चैनल का क्या व्यू पॉइंट है वो पीटीसी के अंदर झलक जाता है, क्योंकि जो रिपोर्टर है ना वो उसी चैनल का है, तो वो उस चैनल का उस खबर को लेकर क्या स्टैंड है वो उस पीटीसी के अंदर झलक जाता है। और इसके अलावा पीटीसी करने का मकसद यह भी होता है कि जो खबर आप न्यूज चैनल पर दिखा रहे हो, ताकि ऑडियंस को उस खबर पर विश्वास करने का एक अच्छी तरह से उनके पास एक सबूत मिल सके, आप यानी न्यूज चैनल ऑडियंस को एक अच्छा सा सबूत दे सके कि
जो हमने आपको खबर दिखाई है ये खबर एकदम सही है। हमारा रिपोर्टर उस वक्त जहां पर ये घटना हुई है, जहां जहां से ये खबर आ रही है, वहां पर मौजूद था और इसीलिए पीटीसी दिखाई जाती है ताकि ऑडियंस को ये पता चल सके उस खबर की जो विश्वसनीयता है वो ऑडियंस के सामने झलक कर सामने आए पीटीसी के माध्यम से, इसीलिए पीटीसी दिखाई जाती है। तो ये दो सबसे बड़े कारण हैं पीटीसी दिखाने के। तो अब जान लेते हैं आखिर सबसे बड़ा जो मेन समस्या है, जो आखिरकार समस्या होती है कि पीटीसी करे कैसे, क्योंकि जो सारी खबर होती है वो तो न्यूज़ एंकर पहले पढ़ लेता है, उसके बाद रिपोर्टर भी बता देता है, जो रिपोर्ट चली है न्यूज़ रिपोर्ट उसके अंदर बता दी जाती है, लेकिन उसके बाद 30-40 सेकंड आखिर ऐसा क्या बताया जाए यानी पीटीसी के अंदर। यानी सवाल यही रहता है सबके मन में कि पीटीसी को आखिर करे कैसे, उसमें क्या बोले। तो चलिए जान लेते हैं पीटीसी करने का एक सिंपल फॉर्मूला है और वो आपको टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ये फॉर्मूला मेरे सर राम किंकर सिंह ने मुझे बताया था और राम किंकर सिंह दिल्ली आज तक में सीनियर रिपोर्टर हैं और क्राइम न्यूज एंकर भी है। उनका शो आता है पीसीआर, जो कि दिल्ली आज तक का सबसे बड़ा पॉपुलर शो है न्यूज चैनल पर दिल्ली आज तक पर। तो उन्होंने ये मुझे बात बताई थी कि आखिर पीटीसी के अंदर क्या होता है और पीटीसी को कैसे की जाती है, यानी पीटीसी को कैसे किया जा सकता है। जो न्यूज रिपोर्टर है उसका उस खबर को लेकर क्या व्यू पॉइंट है और साथ में खबर क्या है, यानी पीटीसी के अंदर अगर आपको कुछ नहीं सूझ रहा है, आपको कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो रही है, तो आप सिंपल फंडा है पीटीसी का, खबर क्या थी उसको आप संक्षेप में बता दो। और ये ध्यान रहे अच्छी पीटीसी 20 से 40 सेकंड की ही होती है, उससे ज्यादा नहीं होती है, इसलिए आपको जो पीटीसी करनी है वो पूरी 20 से 40 सेकंड के अंदर ही सब कुछ कहना है, सब कुछ बताना है। आप पहले लगभग 10 या 15 सेकंड तक आप उस खबर को संक्षेप में बता दीजिए और आप कोशिश कीजिए आप कुछ ऐसी बात बोले, खबर तो आप बताओगी लेकिन खबर को आप थोड़ा सा उस एंगल से कहो जो अभी तक उस रिपोर्ट में नहीं बताई गई है। यानी जो आपकी रिपोर्ट पीटीसी कब होती है, जब पूरी रिपोर्ट चल गई, रिपोर्ट के आखिर में तो होती है ना, तो आखिर में आप ऐसी बात कहो जो अभी तक उस न तो एंकर ने कही हो उस रिपोर्ट में और न ही आपकी जो रिपोर्ट चली है उस रिपोर्ट में आपने भेजी थी। यानी आपको एक नया एंगल खोजना पड़ता है और नया एंगल कहने का मतलब ये है कि आप जो खबर है उस खबर को संक्षेप में बताओ, इसके साथ ही आप उस खबर को किस नजरिए से देखते हो, आपका क्या स्टैंड है उस खबर को लेकर, आपका स्टैंड निष्पक्ष होना चाहिए। यानी संक्षेप में कहे तो पीटीसी में उस जो खबर होती है उस खबर को शॉर्ट में बताया जाता है और साथ ही उस रिपोर्टर का जो व्यू पॉइंट है उस खबर को लेकर वो होता है, ये होती है पीटीसी। और अब मैं आपको ध्यान रहे एक बार फिर दोहरा रहा हूं, बहुत आसान है पीटीसी करना, जो भी खबर है उस खबर को संक्षेप में बता दीजिए, संक्षेप में बता दीजिए उस खबर को, पहले खबर बताओगे संक्षेप में, उसके बाद उस खबर को लेकर आपका क्या व्यू पॉइंट है, आपका क्या स्टैंड है, या इस खबर को लेकर आपकी क्या समझ है, इस खबर को लेकर कितना असर लोगों पर पड़ सकता है, इस खबर का क्या महत्व है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब पीटीसी की जाती है तो कभी कभी वो सवाल भी पूछते हैं, यानी आप अगर प्रशासन पर सवाल पूछने का अगर उसमें कहीं नौबत आ रही है तो आप सवाल भी पूछ सकते हो। यानी सवाल पूछ के वो क्या दिखाना चाहता है रिपोर्टर यही बताना चाहता है कि ये खबर जो भी घटना हुई है, जो भी ये खबर सामने आई है, ये इसकी इंपॉर्टेंस इतनी बड़ी है कि अगर आखिर प्रशासन ने ये नहीं किया तो ये हो सकता है, प्रशासन को ये करना चाहिए, अब ये देखना होगा, इस तरह के शब्दों का यूज किया जाता है। आपको स्क्रीन पर यह खबर दिख रही होगी, ये अखबार दैनिक भास्कर से मैंने ली है और ये नोएडा में जो फर्जी तरीके से कॉल सेंटर चलाकर बेरोजगार लोगों को अपने झांसे में लेकर
फर्जी तरीके से लोगों को जॉब दिलाने की और जॉब ऑफर लेटर देकर लोगों को ठग रहे थे और सिक्योरिटी मनी के नाम पर 30 से 40 हज़ार के आसपास पैसे ले रहे थे। तो इसका पर्दाफाश नोएडा पुलिस ने किया है और ये खबर है। और इस खबर पर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर, ताकि आप आसानी से समझ सके, मैं आपको पीटीसी करके अब दिखाने वाला हूँ। पहले आप, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज कीजिए। पॉज करने के बाद आप इस खबर को पढ़िए। पढ़ने के बाद आप फिर इस पीटीसी को देखिए, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि आखिर पीटीसी के अंदर होता क्या है। पीटीसी, ध्यान रहे, पीटीसी के अंदर वही बात बोलनी है जो अब तक पूरी न्यूज रिपोर्ट के अंदर नहीं बोली गई है। यानी खबर तो आप बता सकते हो, खबर तो वही होगी। आप पहले संक्षेप में खबर बताओ, उसके बाद अपना जो व्यू पॉइंट है, अपना नजरिया है, वो बताना है, वो एक अलग एंगल से बताना है। और पीटीसी के जरिए रिपोर्टर अपने आप को एक उस अपने आप को चेहरा, अपने आप को टीवी पर दिखाने का मौका मिलता है और अपने आप ऑडियंस पर अपनी छाप छोड़ने का मौका मिलता है। इसीलिए हमेशा रिपोर्टर का मकसद यही होना चाहिए कि पीटीसी के अंदर 20 से 40 सेकंड के अंदर कुछ ऐसी बात बोले जो ऑडियंस के ऊपर छाप छोड़ जाए और जो भी टीवी देख रहे हैं, ओके वाह, क्या क्वेश्चन पूछा है, क्या बंदे ने बात बोली है, कि कितना निष्पक्ष पत्रकार है, ये बात उनके जो न्यूज देख रहे हैं लाइव टीवी पर उनके मुंह से निकलनी चाहिए जब आपकी पीटीसी टीवी पर चले। यानी आपको पीटीसी बड़े ही सोच समझकर, बड़े ही ध्यान रखकर करनी होती है। तो चलिए अब मैं आपको वो एग्जांपल प्रस्तुत कर देता हूँ कि किस तरीके से पीटीसी की जाती है, और आप उस खबर को पहले जरूर पढ़ लीजिए। नोएडा पुलिस ने बड़ी कंपनियों के नाम पर जॉब दिलाने के नाम पर फर्जी कॉल सेंटर चलाकर धोखाधड़ी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। इसके साथ ही 8 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। यह भी बताया जा रहा है कि नोएडा के अंदर इसी तरह से 7-8 और फर्जी कॉल सेंटर चल रहे हैं और पुलिस की कार्रवाई जारी है। लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिरकार पुलिस इस तरह के फर्जी कॉल सेंटरों पर लगाम लगाने के लिए भविष्य में किस तरह की सख्त कानून व्यवस्था करती है। और सवाल यह भी कि जो पीड़ितों के पैसे, बेरोजगारों के पैसे फर्जी कॉल सेंटर के द्वारा ऐठे गए हैं, क्या पुलिस वापस दिलाने में कामयाब साबित होगी? वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ मैं अन्नाराम बिश्नोई, ABC News, नोएडा।